जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे साथ लाइव विद टीम अरोड़ा और आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसे कि हम हर हफ्ते कोई बेटर टॉपिक एक लेके आते हैं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, जो हर लोगों को की कह सकते हैं मन में चल रहा है कि वाई पीपल आर मूविंग टू अल्बर्टा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी यहाँ की बात करेंगे जो में क्या चल रहा है। प्रवीण जी, पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा, हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी, और हमारे साथ प्री कंस्ट्रक्शन से हैं जगजीत जी और रीसेल से हमारे साथ हैं जतिन दुआ। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, मेरी तरफ से सारे हमारे व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप हमें शो के दौरान कॉल करना चाहते हैं तो हमें कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। प्रवीण जी, जैसे हम आज की बात करें कि जैसे मार्च में हमने जनवरी से लेकर मार्च तक देखा कि प्राइस में कुछ ग्रोथ नजर आ रही थी, जो मार्केट में एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी, बट अब थोड़ा सा फिर देख रहे हैं कुछ इन्वेंट्री बढ़ गई है और कुछ लोग कह सकते हो थोड़ी सी रुकावट, जैसे कह लो कि थोड़ा सा ठहराव आया मार्केट में दोबारा फिर से। क्या आपको लगता है आने वाला जो टाइम है उसमें इन्वेंट्री में और बढ़त होगी और कुछ ना कुछ थोड़ा सा और मार्केट सॉफ्ट होगी? दीपक, जो रियल स्टेट की मार्केट है ना, इसमें देखो सप्लाई डिमांड तो एक फार्मूला है ही है, बट सप्लाई डिमांड फार्मूले के साथ साथ एक जो लोगों की इमोशनल चीजें हैं ना, जो कह लो कि लोग इमोशनल इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जो लोगों के अंदर फियर है, जहाँ जो मार्केट में ग्रीड है, एक ये इमोशनल चीज है हमारे अंदर जो रहती है हमेशा ही, वो पार्ट प्ले करती है। और जो अभी की मार्केट चल रही है पिछले काफी टाइम से, इसमें ये जो चीज है ये थोड़ा सा ज्यादा पार्ट प्ले कर रही है। ये चीज इसलिए पार्ट प्ले कर रही है कि पहले क्या होता था कि रियल स्टेट मार्केट में साइकिल्स रहती थी, मार्केट ऊपर नीचे, फ्लैट मार्केट, ये हमेशा से जब से इंडस्ट्री एग्जिस्ट हुई है उस टाइम से ही ये मार्केट में साइकिल्स रही हैं। बट अब ये साइकिल्स ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पार्ट प्ले कर रही हैं, और वो छोटी छोटी साइकिल्स का पार्ट प्ले करना का जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर मार्केट में थोड़ी सी न्यूज कोई अच्छी आ जाती है तो लोगों का जो सेंटीमेंट है मार्केट के बारे में थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, फियर उनके अंदर कम हो जाता है, थोड़ी सी एक्टिविटी मार्केट में बढ़ जाती है। जैसे ही फिर कोई न्यूज आ जाती है नेगेटिव तो लोगों का फिर थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, और वो होल्ड करने की वजह से मार्केट की साइकिल फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई मेजर शिफ्ट नहीं आई जब से मार्केट में चेंज हुई है। मेजर शिफ्ट इन द सेंस कि जो इंटरेस्ट रेट है अभी भी उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेजर इंटरेस्ट रेट में चेंज आई हो। सिर्फ चेंज क्या आई है मार्केट में कि लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि ये इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो नीचे भी नहीं अभी जा रहा, पर वो आगे ऊपर नहीं बढ़ रहा। इस चीज से थोड़ा सा लोगों में कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आया है। बट क्या लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इंटरेस्ट रेट में कमी आई है? वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ क्या लोगों की इनकम में कोई चेंज आई है? वो भी कोई साथ बात नहीं है। बस सिर्फ उनकी जो मार्केट के बारे में सेंटीमेंट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है और हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली लोग हैं जो थोड़ा सा कई बार प्रॉपर्टीज बाय करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। बाकी एक दूसरी बात ये भी है दीपक, मुझे जो लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि ये रमजान की वजह से काफी अपने जो मुस्लिम भाई बहन है वो बाहर ज्यादा एक्टिवली नहीं जा रहे, जब वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे, उससे भी मार्केट में थोड़ा सा जो खास करके हमारे वेस्ट एंड पे है, उससे भी थोड़ा सा मार्केट सॉफ्ट हो जाती है। प्रवीण जी, अगर डेटा की बात करें, मैं ट्रेप का डेटा देख रहा था जो 2020 विच इज अ गुड पार्ट। अगर हम बात करें कि मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक प्राइस में गिरावट नहीं देखी गई, प्लस उसमें एक पॉजिटिव 1.5% की ग्रोथ देखी गई है। राइट। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, वो कम नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा बढ़ा ही। अगर मार्च से देखें, डेफिनेटली लास्ट 3-4 मीटिंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है, वहीं पे स्टेबल है। बट इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। बट आज की मार्केट भी प्रवीण जी देखें कि जो छोटी प्रॉपर्टी है $1 मिलियन तक की, 1.1 तक की, मैं भी एक बायर के साथ अभी ऑफर डाल रहा हूँ किसी की, आज भी लेनी बड़ी मुश्किल है। आज भी आसान नहीं है। अगर $1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेने निकले, आपको काफी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, फिर बायर को एक प्रॉपर्टी मिलती है, जाके तब जाकर प्रॉपर्टी उनको अच्छी, जो अच्छी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। तो क्या आज की डेट में बायर ये सोच के कर रहे हैं कि इंटरेस्टेड कम होगा, उनका माइंड ये चल रहा है, इसलिए वो उस चीज को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं? असल में दीपक बात पता क्या है कि अभी भी ना बायर को ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ना ही सेलर को मार्केट के बारे में क्लैरिटी है। और ये जो क्लैरिटी है ना होने का कारण है कि बड़ी कंफ्लिक्टिंग न्यूज़ेस आती हैं मार्केट में। अभी आपने देखा होगा, शायद कल परसों की एक न्यूज है कि जो सीएमएससी प्रेडिक्ट कर रही है कि 2025 में जहां पे प्राइसेज पहले थे वहां पे चले जाएंगे, 26 में प्राइसेज उसको एक्सीड कर जाएंगे। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर न्यूज के एक नई पॉलिसी आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होने जा रही है कि जो आपकी जितनी इनकम होएगी उसका 4.5 टाइम्स आपको टोटल फाइनेंसिंग जो है मॉर्गेज का अमाउंट मिला करेगा। तो ये जो चीजें बड़ी मार्केट में ना कंफ्लिक्टिंग न्यूज़ेज आती हैं, और जैसे वो कंफ्लिक्टिंग न्यूज़ेज आती हैं तो लोगों का जो मोमेंटम बनता है वो ना तो बना रहता है, ना वो नीचे आता है, शिफ्ट होता रहता है टाइम के साथ। मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो उनका मोमेंटम है वो चेंज होता जा रहा है। अब आप एक चीज देखिए, अगर कोई आदमी ये न्यूज सुन ले कि यार जो सीएमएससी की न्यूज आई है, बंदा थोड़ा एक्साइट होएगा कि यार मैं प्रॉपर्टी अभी बाय कर लूं। बिल्कुल ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन हमारे में ये एक्साइटमेंट होएगी कि यार अगले साल तो प्राइसेज और ऊपर चले जाने, 26 में उसमें भी एक्सीड कर जाएंगे, तो हमें अभी बाय करना चाहिए 24 में। अब दूसरी तरफ अगर कोई आदमी ये न्यूज पढ़ ले कि यार ये आ रही है नई पॉलिसी आ रही है कि 4.5 टाइम, अगर 4.5 टाइम्स आप देखें तो दैट्स नॉट ए बिग अमाउंट। और जीटीए की मार्केट में तो खास करके घर अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब अगर हम उस चीज की बात करें। और अगर कोई इन्वेस्टर सोचे तो इन्वेस्टर तो ले ही नहीं पाएगा। अगर आपके पास प्रिंसिपल रेजिडेंस पे मॉर्गेज है आपके पे, तो आप भूल ही जाओ इन्वेस्टमेंट की बात तो फिर। बिल्कुल राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये जो न्यूज है ना, ये लोगों का जो सेंटीमेंट है उसको बड़ा ऊपर नीचे करती रहती है। और कई बार क्या होता है, जब लोगों का सेंटीमेंट ऊपर नीचे रहता है किसी मार्केट में, उसकी वजह चाहे कोई भी हो दीपक, तब वो कोई ना कोई रिलीफ ढूंढते हैं, कोई ना कोई चेंज ढूंढते हैं। और यही कारण है जो आज का हमारा टॉपिक है कि लोग हैं जो अल्बर्टा में क्यों मूव होना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट की जो अनसर्टनिटी है यहाँ की, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज पैदा कर रही है कि यार यहाँ पे तो इतनी अनसर्टनिटी हमें समझ नहीं आती, अफोर्डेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, कल को ये चीज हो जाएगी, प्राइस ऊपर चला जाएगा, वहां पे प्राइस पॉइंट कम है, तो क्यों ना हम वहां की कोई ना कोई ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। सुब्रमण्यम जी, ये बात हमारे ओंटारियो की, अगर जैसे आज हमारा टॉपिक आपने भी उसको छुआ है थोड़ा, तो जो पीपल आज जो लोग हैं वो अल्बर्टा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मेजर कारण है? क्या यहाँ की पॉलिसीज उनको सपोर्ट नहीं कर रही, या उनको मॉर्गेज पेमेंट और उनकी प्राइस सपोर्ट नहीं कर रही? आपका क्या कहना है इसके बारे में? मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो पहले दीपक हम इस बात के ऊपर बात करते हैं, आप सभी लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब काफी बायर सेलर्स के साथ बात करते हो, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जतिन के जो ज्यादातर लोग मूव करना चाहते हैं? और दीपक आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो जो लोग यहाँ पे ओंटारियो में पुराने सेटल्ड हैं वो हैं, या जो लोग नए हैं? और जगजीत आपके साथ जो लोग अल्बर्टा की प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा कौन से लोग इंक्वायर करते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है दीपक? प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मार्केट में जो लोग अभी चेंज करना चाह रहे हैं अल्बर्टा की तरफ, डेफिनेटली वो नए लोग हैं, वो नहीं जो ऑलरेडी सेटल है ओंटारियो के अंदर। नए लोगों की परसेंटेज ज्यादा है? नहीं, नए लोगों की ज्यादा है, क्योंकि रीजन ये है कि जो ऑलरेडी सेटल है वो जल्दी मूव करना नहीं चाहते। ठीक है। नए लोगों को परेशानी प्रवीण जी ये हो रही है क्योंकि उनकी जो जॉब्स नहीं है, उनके पास उतनी इनकम नहीं है, और उनको आज की डेट में वो मॉर्गेज सपोर्ट नहीं कर रही। मान लीजिए यहाँ पे घर लेना है, राइट, तो $1 मिलियन से नीचे कोई घर नहीं है। $1 मिलियन का घर लेते हैं तो उनको इनकम, घर पे जाके कुछ पैसे बचते नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो अल्बर्टा मूव करना चाहते हैं ताकि वो 4-5 लाख की रेंज में वहां पे घर मिल जाते हैं, उनकी मॉर्गेज जो है वो काफी हद तक वो रेंट जैसा पे कर देती है। राइट। और सेकंड ये है कि यहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो उनकी फेवर में नहीं है, कह सकते हैं आप। ठीक है। अगर वो यहाँ पर आज की मान लो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज काफी एक्सपेंसिव है, रेंट वाइज भी अगर कह लें या यूनिट की कॉस्ट कह लें। और सेकेंड सबसे हार्ड चीज है उनको फ्रेंचाइज का मिलना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है और काफी सारे लोग हैं जो फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, और एक्सपीरियंस लोगों को साथ ही वो कंपनी जाना चाहती है। वहां पे अगर किसी ने कोई बिजनेस खोलना हो, बिल्कुल, तो उनको बिजनेस खोलने के लिए भी यहाँ के कंपैरेटिवली थोड़ा एज मिलता है। बिल्कुल, वहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, डेफिनेटली उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी यहाँ पे है। वो तो वही है कि जितना पैसा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा, पर चलो मतलब उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, आपके पास वहाँ पे कह सकते हो कि एक ग्रोथ के चांसेस हैं। तो ये दो मेन रीजन है जो लोग वहां पर मूव करते हैं। बिल्कुल। जतिन, आपको क्या लगता है कि ज्यादातर कौन से लोग मूव करना चाह रहे हैं? प्रवीण जी, मेरे अकॉर्डिंग जो जिन लोगों के टाइज और टैरियो में स्ट्रांग नहीं है और जो जिनकी क्वालिफिकेशन स्ट्रांग नहीं है, जो मॉर्गेज पेमेंट की, वो लोग अल्बर्टा की तरफ मूव हो रहे हैं, ज्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा मूव हो रहे हैं। टाइज मतलब वो हो गया कि जिनको ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ कनाडा में, मतलब जो दीपक ने बात कही है तो वो सेम बात आपको लग रही है कि भी जो लोग नए हैं। इंटर प्रोविंशियल इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, हमने बहुत कंट्रीज में देखा है जहां भी एक सिटी एक्सपेंसिव हो जाती है थोड़ी, तो लोग दूसरे सिटीज की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। आई एम श्योर, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में भी सेम चीज है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो मेजर जो हम देख रहे हैं जो बायर एंड सेलर की हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, वो सब वही हैं जो एक गुड प्राइस पॉइंट का एडवांटेज लेना चाहते हैं और अल्बर्टा मूव होना चाहते हैं इस टाइम, और उनका लोकेशन फ्लेक्सिबल है, वर्क उनको वहां भी सिमिलर मिल सकता है। ओके, दैट इज जो आपको लगता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जगजीत, आपके पास कौन से लोगों की ज्यादा इंक्वायरी जाती है प्री कंस्ट्रक्शन में? मोस्टली जो लोग अगेन फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, मे बी GTA में रेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम अपनी पहली प्रॉपर्टी देखे हैं और डिसअपॉइंट होते हैं रीसेल में एंड प्री कंस्ट्रक्शन में प्राइसेस देख के, सो वो लोग ज्यादा कैलगरी या एडमिंटन उस साइड देखते हैं, क्योंकि बहुत न्यूज में आजकल हमें पता लग ही रहा है कि काफी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस साइड पे। एंड जो लोग ऑलरेडी इधर रहते हैं वो भी कैलगरी में इंटरेस्टेड है, पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा उधर देखते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग ज्यादा प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं। एक चीज प्रवीण इसमें और है जो मेन फैक्टर काउंट करिए अल्बर्टा की तरफ का, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो एवरेज इनकम है ना एक फैमिली की, वो 100,000 लेके चले आप, 100,000 के पीछे वो 10% अगर मान लो यहाँ पे डाउन पेमेंट भी करता है, उसकी वो पहुंच में नहीं है घर, क्योंकि $1 लाख उसको पहले चाहिए डाउन पेमेंट के लिए, फिर वो 10 लाख का घर ले, पहली बात उसको 10 लाख की मॉर्गेज नहीं मिलने वाली, अगर मॉर्गेज नहीं मिले, मान लो मॉर्गेज मिल भी जाती है तो 5,000 की वो किस्त को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 60,000 की तो इंस्टॉलमेंट ही है। यही घर अगर वो अल्बर्टा लेने जाता है तो उसको 10% की मॉर्गेज, उसके लिए क्या कहते हैं 50,000 बन गई अमाउंट डाउन पेमेंट, वो उसके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, क्योंकि कहाँ लाख कहाँ 50, फिर उसकी अगर मॉर्गेज भी दे वो 2-2.5 हजार के करीब मॉर्गेज पड़ती है, और यहाँ पे 3,000 से नीचे तो रेंट नहीं मिलना उसको, वहां पे वो घर ओन कर लेता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो घर बनाना मेरे लिए एक सपना बन चुका है, अल्बर्टा में मेरी स्टार्ट बेटर होगी और मेरी रीच में हर चीज है, एटलीस्ट मैं घर लेके उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मेन चीज है। और सेकंड क्या है कि जो यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी है वो काफी हार्ड है, जो नए इमिग्रेंट जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है कि उन्होंने 4.5 लाख बच्चा लास्ट ईयर बुलाया, देनी पीआर सिर्फ 50,000 को है, और वो 4 लाख क्या करेंगे, वो प्रोविंस से बाहर जाके पीआर लेंगे, मतलब सिर्फ 50,000 को देनी है, सिर्फ 50,000 को। क्योंकि देखो कोई भी स्टूडेंट वीजा जब अप्लाई करता है उनसे रेटिंग में लेते हैं कि आप ये स्टडी करके वापस जाएंगे, होता उलट है, हर लोग पीआर लेने के लिए आते हैं, पता उनको भी है, बट होता फिर ये कि 4 लाख जो बच्चा आया हुआ है वो कहाँ जाएगा, कोई नोवा स्कोशिया जाएगा, कोई अल्बर्टा जाएगा, कोई जहां जहां उनको लग रहा है कि बेटरमेंट है, तो वो भी एक रीजन है मूवमेंट का यहाँ से ओंटारियो से बाहर जाने का और वहां की ग्रोथ ज्यादा होने का। जतिन, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जो नए लोग हैं इमिग्रेशन का? जैसे दीपक जी ने कहा, ये जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है जिसमें 2 ईयर का कैप इन्होंने लगाया इमिग्रेशन पे, इसका जब रिलीफ शुरू होगा सबसे पहले आप देखेंगे लोग अल्बर्टा की तरफ मूव होंगे, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं कि हम अल्बर्टा जाए, तो ये मुझे लग रहा है कि बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन की जो उनको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ हमें लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही इजियर है एज कंपेयर टू ऑन्टारियो, और जो कंपटीशन है आपका जॉब्स लेने का और जो कट ऑफ आती है उसमें फाइल्स लगती हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन की, वो भी बहुत इजी है अल्बर्टा में एज कंपेयर टू ऑन्टारियो को कंपेयर, तो फ्यूचर में हम बहुत एक्टिविटी देख सकते हैं बेसिकली। तो प्रवीण जी देखो, जो भी आता है कनाडा में आता है वो अपना सपना ही लेकर आता है बेटर लाइफ के लिए, बिल्कुल, कि मेरी बेटर लाइफ होगी तभी वो यहाँ पे आता है, वो अपना कंट्री छोड़ के यहाँ आता है कि मेरे को घर बार मिलेगा, अपनी चीजें बनाऊंगा और बेटर लाइफ को एंजॉय करूंगा, तो वो आज के डेट में काफी हार्ड हो चुका है। तो हमें लगता है कि ओंटारियो में लोगों को, क्योंकि हर चीज एक्सपेंसिव होने की वजह से उनके लिए वो मतलब चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं, बिल्कुल, वो जो अपनी बेटर लाइफ के ड्रीम से आते हैं वो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि वहां पे उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है, बिल्कुल, तो इसलिए वो जाते हैं। जी, आई थिंक दीपक शायद यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, थैंक यू। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Popeyes has a Q wireless and computer. Apne tamam devices, phones, iPads, tablets, MacBooks और laptops के repairs और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. 785. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए मेहंदी ले सामान लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट सुर्खी पाउडर और सिंगार फ्री एंट्री इस बाजार चीज मयारी सस्ते दाम वहाँ की हर शे आए काम आओ चले चलो चले Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 6th to Chandrat, April 9th. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, trailer transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. Service 6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. ये आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लाइव टीम अरोड़ा के शो में आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अल्बर्टा के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोग जो है अल्बर्टा की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। उस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जतिन, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमने बातें की, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अल्बर्टा में लोगों के जाने का क्या रीजन है इसके पीछे? और दीपक जी, जो मुझे एक और रीजन जो लगता है जो अल्बर्टा लोग मूव हो रहे हैं, वो जो उनके रेजिडेंशियल टेनेंसी एक्ट है उनका, और जो लॉज हैं उनके, वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर के फेवर में है। आप मानिए, अगर आपको आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको घर सेल करना है अल्बर्टा में, वो एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, बिकॉज प्रॉपर बने हुए हैं प्रोसीजर्स के कैसे आप अपने टेनेंट को हटा सकते हैं। बट यही ऑन्टारियो में अगर हम देखें तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। अगर आपने आज अपना घर सेल करना है और उसमें टेनेंट है, उनको नोटिस देना, वो जाएंगे, घर खाली करेंगे नहीं करेंगे, वेकेंट पोजेशन देंगे नहीं देंगे, इसके कारण बहुत सारा इन्वेस्टर अल्बर्टा की तरफ मूव होना प्रेफर कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो कहने का मतलब है कि जो लैंडलॉर्ड की फेवर में उनका उधर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी एक तरह से कह लें उन्होंने की क्रिएट की हुई है वहां पे। दीपक, एक चीज ये है कि ऐसा नहीं कि वो टेनेंट को वहां पे नहीं अच्छा मतलब ट्रीट किया जाता या कुछ ऐसी बात। वहां पे ना फिक्स टर्म लीजेज है जी। तो फिक्स टर्म लीज का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने एक प्रॉपर्टी बाय की है जी, आपका प्लान है कि ये मैंने प्रॉपर्टी 1 साल बाद बेचनी है जी, मान लो, राइट, क्योंकि दैट्स व्हाट यू आर प्लानिंग, कि आपका प्लान है कि आप 1 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो। तो आप उसकी वो जो लीज है 1 साल की, वो फिक्स टर्म लीज है, बिल्कुल। और अगर उसके बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए रखते हो, मंथ टू मंथ, दैट्स फाइन। उसके बाद आप टेनेंट को कह सकते हो कि भी जो फिक्स टर्म हमारी लीज थी, वो मैंने अपना जो ऑब्लिगेशन था वो मैंने फुलफिल कर दिया, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ। जबकि ओंटारियो में ये चीज टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप फिक्स टर्म लीज है, वो उसको ऐसा नहीं है कि अगर वो फिनिश होगी तो आप टेनेंट को ये कह सकते हैं कि भी अब मैंने घर बेचना है तो वेकेंट पोजेशन ही चाहिए। तो जो वेकेंट पोजेशन है उसके लिए भी यहाँ पे ये है कि जो आगे लोग बाय करेंगे इस प्रॉपर्टी को, वो अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए यूज करें, और उसके लिए उनसे समटाइम्स एफिडेविट भी मांगा जाता है जी। तो वहां पे एक फिक्स टर्म लीज का मतलब ये है कि फॉर श्योर है कि आपके पास ऑप्शन है प्रॉपर्टी बेचने की। यहाँ पे आपको ये चीज है वो अनसर्टन है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आप प्रॉपर्टी को आप उस लीज की टर्म के बाद बेच पाओगे भी या नहीं बेच पाओगे जी, बिल्कुल। आई थिंक प्रवीण जी, इसके अलावा भी जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है वो भी अल्बर्टा में नहीं है, और यहाँ पर हम काफी, वहाँ पे 5% है शायद, नहीं 0.5% भी नहीं है, 0 है लैंड ट्रांसफर, 0 लैंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर सबसे एक बड़ा रिलीफ ये भी है, जो लोग वहां मूव हो रहे हैं, बेसिकली एक लैंड ट्रांसफर टैक्स भी उनके लिए बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा है यहाँ पे, बिल्कुल। जो क्लोजिंग कॉस्ट है वहां पे बहुत कम है यहाँ के, जो टैक्सेज है वो ओवरऑल ही पूरे अल्बर्टा में यहाँ के कंपैरेटिवली काफी कम है, टैक्सेज कम है। तो इस हिसाब से जो इन्वेस्टर आज की मार्केट में, क्योंकि देखो ओंटारियो में उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए अगर वो रेंटल रखता है वो यूनिट को, तो कल को वेकेट कराना मुश्किल है, फिर वो अगर सेल करता है तो उसके लिए वो उससे बड़ी पेन है। तो इन सभी जो मेरे झमेले हैं, इनसे आप बाहर कैसे निकल के, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्टर और कहीं कहाँ पैसा लगाए? फिर दीपक जी, जो आपने बात की है, बिफोर वी गो टू दैट वन, एक चीज और है यहाँ पे जगजीत, जो वहाँ पे रेंटल वैल्यूज कैसे हैं प्रॉपर्टीज के प्राइस के कंपैरेटिवली। जैसे यहाँ पे तो फॉर श्योर दीपक नेगेटिव कैश फ्लो है, आज की डेट में आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लो, नेगेटिव कैश फ्लो है, आप डजंट मैटर जितनी मर्जी आपकी अच्छी बाइंग हो, उसका रेंट, उसकी पेमेंट को अगर आप 20% या 25% पे भी हम बात करें, 35 तक भी कर ले तब भी वो भी मेकअप नहीं करता, वो भी मेकअप। तो वहां पे क्या सिनेरियो है इस चीज का? हमें पता है कितनी पॉपुलेशन उधर मूव हो रही है, राइट, एंड उसके साथ रेंटल डिमांड भी काफी हाई है उधर, क्योंकि आप अगर प्राइस पॉइंट्स ही कंपेयर करें, अगेन उधर टाउन होम्स ही लो 300 से शुरू हो रहे हैं ऐसे प्राइस पॉइंट। फिर डी रेंटल वैल्यू क्या है? जैसे मान लो 3 लाख का कोई टाउन हाउस है अल्बर्टा में, तो क्या रेंट कितना का है उसका? आप इजीली ऑन 2000 तो बना सकते हो, 2000 के करीब है। और अब यहाँ पे देखो दीपक, 3 लाख की प्रॉपर्टी किसी का भी 2000 रेंट पॉसिबल ही नहीं है। 3 लाख की तो प्रॉपर्टी नहीं है प्रवीण जी, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो 2000 जिस प्रॉपर्टी का रेंट आता है, अगर हम किसी कॉन्डो की भी बात करें, मुझे नहीं लगता 1 बेडरूम का, वो भी 1 बेडरूम का, सिर्फ 6 लाख से नीचे कॉन्डो नहीं होगा, बिल्कुल 5-6 लाख के नीचे तो मतलब ही नहीं है। अगर हम बाहर की किसी आउटर स्कर्ट में, यहाँ पर $1500 नेगेटिव होगा मंथली अगर वो कॉन्डो भी रेंट करता है तो। आज की डेट में 6 लाख का कॉन्डो लेके रेंट 2000 रुपए कर देना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी 5-3 4-4 बन जाएगी। तो वहाँ पे जो रेंटल है वो पॉजिटिव है, रेंटल या अगर आप कैश फ्लो पॉजिटिव की हम बात करते हैं, GTA में तो एट दिस पॉइंट पॉसिबल नहीं लगता फॉर द मोस्ट पार्ट, बट अल्बर्टा में वो अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप कैश फ्लो पॉजिटिव देख रहे हो। सेफ इन्वेस्टमेंट, काफी रेप्यूटेबल बिल्डर्स भी उधर हैं, जैसे मैकमी हो गया, ब्रुकफील्ड रेजिडेंशियल, सीडर ग्लेन, बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं जो बिल्ड कर रहे हैं, काफी वेल नोन बिल्डर्स हैं ये वाले जो हैं। ठीक है, तो दीपक अब मैं वापस आता हूं कि आपकी उस क्वेश्चन पे जो आप बात कर रहे थे रेजिडेंशियल से, आई थिंक आई एम श्योर आप लोगों की भी बहुत इंटरेक्शन होती होगी कि आजकल जो ओंटारियो में इन्वेस्टर है, ओंटारियो में जो इन्वेस्टर है जो रेजिडेंशियल जिनके पोर्टफोलियो हैं, वो सभी की कहीं ना कहीं ये सोच बनती जा रही है कि रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो को या तो खत्म किया जाए या कम किया जाए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की जाए जी, कि मतलब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की जाए। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने का जो मेजर मेरे को रीजन नजर आ रहा है दीपक, या जो लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ, उसका सबसे बड़ा रीजन यही आ रहा है कि उनको ये लगता है कि जो टेनेंसी के एग्रीमेंट्स सॉरी जो लॉज हैं उनकी वो मतलब फेवर में नहीं है, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनमें कम से कम वो फिक्स टर्म जो लीज वाली बात है वो लीज के बाद वो एटलीस्ट प्रॉपर्टी का पोजेशन वेकेंट ले सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन जो लोगों का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ काफी आज की डेट में जो जाओ है वो दीपक बढ़ता जा रहा है। मतलब मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा हमें कॉल्स पहले कभी कमर्शियल के लिए आती थी जितनी के आजकल कॉल्स आती हैं। अब हर आदमी, जैसे ही कोई आदमी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है हमारे साथ, आई एम श्योर आप सभी लोग उनके साथ ये बात करते हो कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आगे आपका क्या प्लान है, आप इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो आपकी इक्विटी है इस प्रॉपर्टी में। आई एम श्योर मेरे ख्याल 100 में से कम 70% लोग यही कहते हैं कि हमें कोई ना कोई कमर्शियल ऑप्शन दिखा दो आप। मतलब वो कमर्शियल की तरफ जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और अल्बर्टा में अभी भी वो चीज है वो ठीक है कि जो रेंटल है पॉजिटिव कैश फ्लो है एक तो, और एक दूसरा जो फिक्स टर्म लीजेज है वहां पे, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि उनके लिए ये है कि जब भी वो प्रॉपर्टी बेचनी चाहे वो बेच सकते हैं। तो ये जो चीज है ओंटारियो में, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कमर्शियल रियल स्टेट को काफी ज्यादा बूस्ट करेगी ये जो चीजें अभी ओंटारियो में चल रही है। तो प्रणजी ये तो बात होगी इन्वेस्टर की। आपने कहा कि जो इन्वेस्टर है वो अल्बर्टा में जाके उनके लिए फेवर में है जो लॉज हैं बेसिकली, बिल्कुल। तो आपके पास कोई इसके हटके भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कोई दूसरी साइड पे होटल वगैरह टाइप में? इसके बारे में दीपक थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी देते हैं कि कमर्शियल में भी हमारे पास काफी ऑप्शंस है, क्योंकि हमारी कमर्शियल की सेपरेट सेगमेंट है। कमर्शियल में दीपक लेटली इंडस्ट्रियल यूनिट्स की काफी डिमांड बढ़ी है जी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की काफी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जब से ये कोविड के बाद बहुत सी चीजें ऑनलाइन होगी, रिटेल स्पेस कम होगी, बहुत से जो वेयर हाउस वगैरह है वो मतलब जैसे कह सकते हैं कि उनके साइज बड़े हो गए। अब उनको ये लगने लगा बहुत से बिजनेसेस को कि हमें रिटेल की स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए, रिटेल की स्पेस थोड़ी होगी, हमें सिर्फ स्टोरेज ज्यादा चाहिए। एक तो इंडस्ट्रियल में बहुत डिमांड बढ़ी है। तो इंडस्ट्रियल में हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि ब्रांड न्यू प्री कंस्ट्रक्शन में है। अलग अलग जगह पे अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स अगर इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और एक दीपक कमर्शियल में एक स्पेशलाइज्ड एरिया है होटल इंडस्ट्री का। होटल इंडस्ट्री की आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कोई अपनी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, इंडियन पाकिस्तानी लोग जो हैं, इनकी इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा शेयर है। होटल इंडस्ट्री में बहुत से मतलब हमारे जो होटल्स हैं ऑलरेडी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उनको ओन करती है। और ये जो बिजनेस है इस बिजनेस की खासियत क्या है कि एक तो इसमें दीपक कैश फ्लो है जी, जो नेट इनकम है। दूसरा इसके साथ इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी ओवर द पीरियड प्रॉपर्टीज भी अच्छा एप्रिशिएट करती हैं। मान लो आज आपने कोई हॉस्पिटैलिटी में कोई होटल वगैरह आज मान लो आपने 5 मिलियन का लिया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आने वाले 3-4 साल में जो आपको उससे नेट इनकम हो रही है वो तो हो ही रही है, बट उसके साथ आपकी प्रॉपर्टी भी एप्रिशिएट करती है। अब दूसरी और अगर हम बात करें, अगर आप 5 मिलियन का कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे हाई एंड फूड वेंचर्स हैं जिनमें 4-4, 5-5 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट है कईयों में। और अगर आप वहां पे कोई चीज शुरू करते हैं तो वो आपके बिजनेस की जो वैल्यू है वो इतनी ग्रो नहीं करती, क्योंकि उसमें उसका जो कैश फ्लो का कंपोनेंट है, जो एनुअल इनकम है, वही पार्ट प्ले करती है। तो होटल में खासियत क्या है कि कैश फ्लो के साथ साथ ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज भी एप्रिशिएट करती हैं। और जैसे आपने बात की दीपक, तो हमारे पास दो ऐसी ऑप्शन आई है होटल्स के बारे में जो लोग स्टेप इन करना चाह रहे हैं इस बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर, क्योंकि अब पीछे से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बात किया है कि यार हमारे पास 5-4 प्रॉपर्टियां हमने बेच देनी है, वी आर नॉट कंफर्टेबल, मतलब इनको मैनेज करने के लिए हमें काफी मुश्किल आ रही है, इन प्रॉपर्टीज को हमें कोई कमर्शियल में कोई अच्छा बिजनेस बताएं कि जिसमें हम एंटर कर सके। तो ये जो होटल है, एक पर्टिकुलरली खास करके जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये हमारे पास दीपक आया है और ये मिसिसागा से तकरीबन आप ये कह लो कि 2.5 घंटे की ड्राइव पे है वेस्ट की तरफ। हाँ जी। और ये जो होटल है बहुत बड़ा होटल भी नहीं है, अराउंड 50 रूम्स का होटल है, अराउंड दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नंबर क्या है इसके रूम्स का। और जो इसका रेवेन्यू भी डिसेंट है और इसके साथ जो एनुअल नेट इनकम है वो भी अच्छी है। अगर कोई फैमिली अपना ओन बिजनेस करना चाहती है तो मुझे लगता है कि वो इस बिजनेस के लिए काफी उनके लिए सूटेबल है, अगर उनके पास अपनी 2-2.5 मिलियन की खुद की इक्विटी होए तो वो इस होटल को ओन कर सकते हैं। और एज ए फैमिली आई थिंक इस होटल से वो जो नेट इनकम है दीपक, वो तकरीबन 4-5 लाख की पर ईयर की नेट इनकम कर सकते हैं। वेरी गुड नंबर। हाँ जी, क्योंकि मतलब यहाँ 2.5 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो ऑलमोस्ट उसको 20% की रिटर्न ज्यादा है। बाकी उसकी फाइनेंस इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी अगर इन्वेस्ट कर रहा है 2 मिलियन या 2.5 मिलियन की, हाँ जी, तो इट्स अ गुड रिटर्न। अगर वो फैमिली वहां पे काम करती है तो वो 4-5 लाख का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू घर ले जा सकते हैं। और एक हमारे पास जो दूसरा होटल है वो है ईस्ट साइड पे, और वो टोरंटो से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पे है और उसके भी जो नंबर्स है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उसका थोड़ा सा जो रेवेन्यू है कम है ईस्ट साइड वाले का। एंड वो जो होटल है उसका रूम्स थोड़े ज्यादा है बट अभी उसका रेवेन्यू थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों बिजनेसेज हैं, मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, जो लोग अपनी फैमिली के लिए बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है। और आई थिंक प्रवीण जी, इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस होटल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, क्योंकि टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आई थिंक उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा होटल में, और डेफिनेटली बाकी लैंड एप्रिशिएट, होटल एप्रिशिएट तो करेंगे ही करेंगे। टूरिज्म के बिना एक दीपक और भी बड़ी चीज होती जा रही है कि आजकल ना, मतलब जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह का आना जाना लोगों का काफी बढ़ता जा रहा है जी। मतलब जॉब की वजह से भी, बिजनेस की वजह से भी। तो मतलब जैसे पहले हमें क्या होता था, पुराने टाइम्स में हम ज्यादा प्रेफर करते थे किसी न किसी नॉन बंदे के पास रुकना। अब तो ऐसा, मतलब जैसे कह लो कि सिस्टम हो गया है, अगर आपका बहुत क्लोज भी है ना कोई किसी जगह पे, आप कहते हो कि मैं आपको मिलने आ जाऊंगा, मैं रहूंगा वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मतलब जो इनकी ऑक्यूपेंसी है, डिमांड है, वो काफी बढ़ती जा रही है जी। तो प्रवीण जी, ये तो चर्चा हुई इस चीजों की, तो आप हफ्ते जो नई लिस्टिंग्स लोगों के लिए लेके आते हैं, उससे पहले दीपक हम एक बार जरा जगजीत से बात करते हैं। हमने अल्बर्टा की बात की है, तो अल्बर्टा में अगर कोई हमारे पास अट्रैक्टिव चीज है तो जगजीत, आपके पास कोई अल्बर्टा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी है जो आप कह रहे हैं इतने लो प्राइस आप बता रहे हैं और पॉजिटिव रेंटल इनकम आप बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है? कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बताओ जगजीत, जो मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करे हमारे व्यूअर्स को। या अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, देन अल्बर्टा इज द परफेक्ट प्रोविंस टू टॉक अबाउट। सो हमने पिछले एपिसोड में कैलगरी की बात तो करी है, बट कैलगरी से भी लोअर प्राइस पॉइंट पे अगर हम बात करें देन वो है एडमिंटन। ओके, सो जो एडमिंटन वर्सेस कैलगरी जो प्राइस पॉइंट है, ऑलमोस्ट एवरेज 200K का डिफरेंस है। मतलब एडमिंटन कैलगरी से तकरीबन 2 लाख नीचे है प्राइस। यस, एंड व्हिच इज ह्यूज। या आप ये कह रहे हैं कि मतलब ओंटारियो से बंदा जाए पहले कैलगरी से उसको 3 लाख कम मिल रहा है, तो फिर कैलगरी से अल्बर्टा ये 2 लाख और कम हो जाएगा प्राइस में। ठीक है। या सो डिस्टेंस सिर्फ 3 आवर्स नॉर्थ है कैलगरी से अगर आप 3 आवर्स नॉर्थ जाओ, एडमिंटन पहुंच जाओगे एंड उधर टाउन होम्स अगेन उधर काफी अच्छे बिल्डर्स हैं जो बिल्ड कर रहे हैं। एक फेमिलियर नाम आपके लिए मैटनी होम्स है जो उधर भी बहुत कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं, सो यू कैन बाय विद कॉन्फिडेंस। एंड उधर जो टाउन होम्स हैं कह लो हाई 200 की रेंज से आपको मिल सकते हैं, अमेजिंग हाई 200 हाई की। तो यहाँ पे टोरंटो में जब दीदी पार्किंग मिलती है आप टाउन हाउस दिला रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल आई थिंक डाउनटाउन में ऐसी भी बिल्डिंग्स हुई जहाँ पे 2 लाख की पार्किंग ही है, बिल्कुल राइट। ओके सेमीज आपको मिल रहे हैं 300 की रेंज में, डीटैच 400 की रेंज में। ओके सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से लोअर आपको क्या मिल सकता है, एंड ये भी प्री कंस्ट्रक्शन है राइट। या एंड हमने बात तो करी है कि अल्बर्टा में कितने बेनिफिट्स हैं, आप क्लोजिंग में कितना सेव कर रहे हो वर्सेस इन ऑन्टारियो। बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका किसी का भी कोई प्लान बनता है, हम ये नहीं कहते कि आप जाओ अल्बर्टा जाओ, मतलब हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग यहीं पे रहें। मतलब अगर आपका कोई प्लान बन रहा है अल्बर्टा मूव करने का फॉर एनी रीजन राइट, मल्टीपल रीजंस हैं, मतलब कोई भी कारण से आपका अगर कोई प्लान बनता है। यस, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दीपक एक वो भी बात जरा शेयर करो जो आप बता रहे थे कि आने वाले टाइम में जो आप कह रहे थे कि भी अल्बर्टा में आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ रहेगी, थोड़ा उसके बारे में भी व्यूअर्स को बताओ। डेफिनेटली प्रवीण जी, आने वाले टाइम में अल्बर्टा में ज्यादा ग्रोथ रहेगी क्योंकि रीजन आपको मैंने सारे बताए थे अभी रिसेंटली अभी बताया कि जहाँ पे जाके बिजनेस के लिए डेफिनेटली अप्रोच लोगों की जो है वो जहाँ पर ईजी है, बिजनेस खोलने इजी है, जॉब्स वहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। ट्रकिंग की जॉब जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जॉब्स वहाँ पे काफी हैं जो अवेलेबल हैं, और लोग वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, करने वाले नहीं है, जॉब्स बहुत है। जॉब की मेन फैक्टर है, डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। और प्राइस पॉइंट जैसे जबजीत ने बताया, आई थिंक जो यहाँ के इन्वेस्टर है वो तो कैश ही बाय कर लेंगे, 20% डाउन जो यहाँ दे रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है दीपक, कैश बाय करेंगे। आज मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट है वो बेचनी है, जी आज की बात ही है। वो कहते हैं कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट बेच दो, और उसमें से उनकी तकरीबन 5-5.5 लाख की इक्विटी निकलनी है, और वो मुझे कहते हैं कि हमें वहां पे 2 प्रॉपर्टी ले दो, तो 2 सेमी बाय करें कैश। तो मैंने उनसे बात की भी मॉर्गेज वगैरह, वो कहते मॉर्गेज लेनी नहीं जी हमने इनको एज इट इज वहां पे 2 बाय कर लेनी है, ताकि जो रेंट हमें आएगा उसका दैट विल बी हमारे लिए पॉजिटिव। तो अगर आप किसी भी कारण से अगर आपका माइंड बन रहा है अल्बर्टा में मूव करने का, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि वहां पे काफी अच्छी ऑप्शंस हैं जो आपके साथ हमारी जो प्री कॉन की टीम है शेयर कर सकती है, और आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो चुका फिर से एक बार ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, यूं गए और यूं आए। क्यू वायरलेस इन कंप्यूटर अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Downtown Vancouver, Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeye's, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. दावत-ए-इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत-ए-इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हर हफ्ते की तरह जैसे हम हर हफ्ते नई लिस्टिंग्स लेकर आते हैं आपके लिए, जो बेटर प्राइस करके लाते हैं ताकि आपके लिए जो डेफिनेटली मार्केट में आपको चैलेंज आता है, उसके लिए हम बात करना चाहेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो हम लेके आए हैं ब्रैम्पटन में मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल, जो काफी प्रीमियम पॉकेट मानी जाती है। मिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव पे बैकन रोज 1 बैकन रोज कोर्ट के ऊपर 2 बेडरूम और 3 वॉशरूम का जो स्टैक टाउन हाउस हम लेके आए हैं, जिसमें आपको 1 गैराज पार्किंग और 1 ड्राइवे पार्किंग। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4, और इसकी प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर इसके ऊपर आप आना चाहते हैं तो 1:30 to 4 आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे पास पर्सनल शोइंग भी ले सकते हैं। तो इसके बाद जब जतिन, आप कहना चाहेंगे अपनी लिस्टिंग के लिए? हमारी जो नेक्स्ट लिस्टिंग है 6862 डिलिंगवुड ड्राइव। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए परफेक्ट होम है, जस्ट अंडर 1 मिलियन, कॉर्नर लॉट, 4 बेडरूम विद फिनिश्ड बेसमेंट। इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फर्स्ट टाइम होम बायर को नहीं मिल सकती। नियरली 2000 स्क्वायर फीट। अगर कोई इसको देखना चाहता है, या हम इसे वीकेंड पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, अगर कोई हमें देखना है तो हमें इसको कोई देखना है तो हमें कोई भी कॉल कर सकते हैं 647-484-0018। जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले के लोगों के लिए टाउन हाउस या असेंबली अटैच लेना, प्रवीण जी, काफी मुश्किल हो रहा है। और हम लोग के लिए एक टाउन हाउस नहीं, 3 टाउन हाउस लेके आए हैं। अच्छा जी। जैसे जतिन ने भी टाउन हाउस की बात की, मैं भी टाउन हाउस की बात करूंगा, और वो भी सिर्फ 1 साल पुराना, और वो भी ब्रैम्पटन के अंदर मिसिसागा रोड एंड मेफील्ड के एरिया में। ये टाउन हाउस सिर्फ 1 साल पुराना है, 45 डॉनल्ड स्टीवर्ट रोड के ऊपर हमने लिस्ट किया है, और वो भी एंड यूनिट टाउन हाउस। 2 घर हमने लगाया, दोनों टाउन हाउस है और दोनों एंड यूनिट है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 3 बेडरूम का टाउन हाउस है, और सैटरडे संडे इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, इसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। प्रवीण जी, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके साथ ही हमने इसी एरिया में एक और डिटेच घर भी लगाया है, जो 255 ब्यूइक बुलेवार्ड के ऊपर है, सेम मिसिसागा रोड मेफील्ड के एरिया में। आप घर का एलिवेशन देख सकते हैं, जो प्रीमियम कह सकते हैं कि स्टोन एलिवेशन है, और इसके साथ इसकी बेसमेंट भी फिनिश है लीगल पर्सनल यूज के लिए। ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट का ये घर है, 4 बेडरूम है ऊपर, 3 फुल वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे। इसके ऊपर भी आप घर देख सकते हैं, या हमारे पास पर्सनल व्यूइंग भी कर सकते हैं। प्रवीण जी, इसके बाद आप बताना चाहेंगे 22 ब्लैक डायमंड क्रेसेंट। ये जो 22 ब्लैक डायमंड है दीपक जी, तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का घर है, जो कि क्रेडिट वैली के एरिया में काफी डिजायरेबल एरिया है, जो ब्रैम्पटन का क्रेडिट वैली का, ये मिसागा रोड एंड विलियम पार्कवे के पास, और ये कॉर्नर लॉट है। इस घर की दीपक खासियत ये है कि एक ही कपल रहता था, जैसे जब से उन्होंने घर लिया है, जो ब्रांड न्यू बाई किया था उन्होंने, ये सब डिविजन को ज्यादा पुरानी नहीं है, वो घर वैसे का वैसे ही पड़ा है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये घर मतलब कभी रफ यूज भी हुआ हो। तो ये जो घर है काफी अच्छा, मतलब वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, एक तरह नए घर की तरह ही है। आई एम नॉट श्योर दीपक इसके ऊपर इस वीकेंड पे हम ओपन हाउस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, बट ये प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई थिंक प्राइवेट व्यूइंग आपकी बुक की जा सकती है। जैसे कि प्रवीण जी ने क्रेडिट वैली की बात की, तो क्रेडिट वैली में एक और हम लिस्टिंग लेके आए हैं 15 क्रैनवुड सर्कल, और ये जो घर है बिल्कुल बॉनी ब्रेस और जेम्स पॉटर के एरिया में है। स्कूल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कह लें आप रोड क्रॉस करोगे तो स्कूल जो है चर्चिल पब्लिक स्कूल वहां पे है। तो अगर हम बात करें इस घर की तो ये 3000 स्क्वायर फीट का घर है और बेसमेंट लीगली फिनिश्ड और सेपरेट एंट्रेंस के साथ। और ये घर भी 3000 स्क्वायर फीट, ऊपर 4 बेडरूम 3 फुल वॉशरूम और नीचे आपको लिविंग एंड फैमिली सेपरेट दोनों फॉर्मल मिलते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप प्राइवेट व्यूइंग करना चाहें तो हम आपके लिए व्यूइंग करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 416-910-8923। जी 3 डिकोर्सो ड्राइव जो लास्ट प्रॉपर्टी है दीपक 3 डिकोर्सो, ये है ईस्ट ब्रैम्पटन में। जैसे कह लो कि अगर आप गोरवे और क्वीन के एरिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे ये प्रॉपर्टी है डिकोर्सो। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक ये 3700 स्क्वायर फीट का डीटैच घर है और इसके मेन के ऊपर एक फुल डेन है जिसको आप एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं और इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। अगर आप कोई बड़े साइज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं और लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बने की वजह से आपको रेंटल जो है इसकी इनकम भी काफी अच्छी है, मॉर्गेज में हेल्प मिलती है। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। प्रवीण जी ये बात तो होगी लिस्टिंग्स की, क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो आने वाला टाइम है ओंटारियो में, क्योंकि 16 को आई थिंक मीटिंग है इनकी दोबारा फेडरल की रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। 10th को हाँ जी 10th को मीटिंग है उनकी दोबारा फिर से अप्रैल 10th को। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है वो मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, कि बायर्स जो है या सेलर्स हैं उनके लिए वो मार्केट कैसी होगी? देखो दीपक मेरे को जो लगता है, बाकी प्रेडिक्शंस अलग अलग तरह की है। एक प्रेडिक्शन ये है कि जी मार्केट 2025 में 22 वाली हो जाएगी, वापस आ जाएगी, 26 में उससे बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये प्रेडिक्शन है कि मॉर्गेज रेट है, मतलब मॉर्गेज का जो पार्ट है वो ऐसा हो जाएगा कि आप 4.5 टाइम से ऊपर ले नहीं सकते। मेरे को एक चीज ये लगती है कि जो आने वाला टाइम है दीपक, देखो ओंटारियो में डिमांड तो है ही है बिल्कुल। और दूसरी बात एक ये है कि अगर डिमांड है, अगर मान लो मॉर्गेज वाला पार्ट इंप्लीमेंट होए मान लीजिए तो लोग घर ही नहीं बाय कर पाएंगे। अगर लोग घर नहीं बाय कर पाएंगे तो बिल्डर वाई वुड दे बिल्ड एनी प्रॉपर्टी अगर वो सेल नहीं कर पाएंगे। वो भी चीज मुझे कोई इतनी मतलब नहीं हजम नहीं होती मेरे को, ठीक है कि नहीं। और मेरे को एक ये बात भी अभी इतनी जल्दी हजम नहीं हो रही है कि अगर हम बात करें कि प्राइसेज इतनी तेजी से ऊपर बढ़ जाएंगे, उसका कारण मुझे ये लगता है प्राइसेज ना तेजी से ऊपर बढ़ने का कि इंटरेस्ट रेट है जो दीपक वो आएंगे कम, वो थोड़ा स्लोली आएंगे। अगर मान लो चलो नीचे आते भी हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, मैं मानता हूं कि चलो आने चाहिए और आएंगे भी, बट ऐसी भी कोई बात नहीं है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो मार्केट में ये अभी जो चीज हुई है इसमें जो सबसे सैड पार्ट रहा है, मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूं, हर आदमी ने इस मार्केट में कोई ना कोई लॉस जरूर लिया है बिल्कुल, चाहे वो एंड यूजर था, चाहे वो बायर था, चाहे वो सेलर था, चाहे वो इन्वेस्टर था। हर आदमी ने इस मार्केट में कोई ना कोई लॉस जरूर लिया है। इट वाज अनफॉर्चुनेट, मतलब अच्छी चीज नहीं थी। जैसे भी ये चीजें हुई नोबडी एक्सपेक्टेड, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हुई। मैं नहीं कहता कि हम लोगों की भी गलतियां नहीं है, हम लोगों की भी गलतियां रही हैं, उसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इतना भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मार्केट में कि लोग सोचेंगे कि मैं घर 5-5 लाख और महंगा ले लूं। आई डोंट थिंक सो दैट वन कि इतना भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट। अगर हम 89-90 की मार्केट के बाद का अगर बात करें कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए दीपक कितने साल लगे, और वो चीज आने वाले 1 या 2 साल में मुझे नहीं लगता कि चेंज होगी। मेरा मानना है जो भी आदमी आज अपनी जरूरत के मुताबिक बाइंग या सेलिंग करना चाहता है उसको मार्केट की वेट नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। मतलब ये सोचकर आप बैठे ना कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा प्राइसेज बहुत बढ़ जाएंगे, हम फिर घर बेचेंगे। और ये भी ना हम सोचें कि हम तब बाय करेंगे जी जब हमारी ये चीज मतलब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो तब हमारी अफोर्ड है। जहां पे आपकी जरूरत है, जो चीज आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए। इस चीज में अपनी चीजों को होल्ड करना या इस विश के साथ चीजें मतलब करना कि हाँ जी अच्छा टाइम आएगा, वो मेरे हिसाब से कोई मुझे ज्यादा बात नहीं लगती। मुझे लगता है कि जैसे मार्केट एक स्टेबल मार्केट चल रही है, मार्केट में ऐसे थोड़ी बहुत साइकिल्स ऊपर नीचे रहेंगी, थोड़ी कभी ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, क्योंकि एक जो ग्रोथ होती है दीपक वो ओवर द पीरियड होती है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि आज हम 2024 के अप्रैल की बात कर रहे हैं और हम देखेंगे जी जुलाई में प्राइस 3 लाख घर का ऊपर बढ़ गया, ऐसी चीजें मुझे नजर नहीं आती जी। अरे वो होगा भी नहीं प्रवीण जी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट विल बी कह सकते काफी बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि 5% इंटरेस्ट रेट के बिना दीपक जो लॉस हुआ है आज लोगों को वो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। इन्वेस्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, लोगों ने अपनी 5-5, 10-10, 20-20 साल की सेविंग्स लूज की है इस मार्केट। बिल्कुल हाउ दे कैन कम ओवर ऑन दैट वन? ऐसे कैसे हो जाएगा कि एकदम मतलब वो चीजें ऊपर आ जाएंगी? आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें इतनी तेजी से। मुझे लगता है कि अच्छा पार्ट जो हुआ है मार्केट में वो ये हुआ है कि एटलीस्ट मार्केट स्टेबल हो गई है। तो आप इस स्टेबल मार्केट में जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जो आपकी जरूरत है, या जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है करनी, आप उन चीजों को करें। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स आज के लिए। और यहाँ पे वक्त हो चुका है विदा लेने का, तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। तो इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।